हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग टॉपर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप जानते हैं इस समय

नाइट वाली क्लास में हमारा चल रहा है एम एस सी डी पार्टनसी, पार्टनर पार्टनरशिप पर और जो दो से तीन टू पी एम टू थ्री पी एम है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज यहां हम लेके आए हैं आपके लिए पाइप एंड सिस्टम के बहुत ही डेप्थ कंसेप्टों का बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त इसका एग्जाम्पल विद एप्लीकेशन आ जाइए फटाफट फ़ड़। मैं चाहूंगा एक बार सभी कमेंट करें आ जाए हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म देना बच्चों हम भूल गए क्योंकि हमारी ये सीरीज थी सडनली इसमें क्लास हमें मेंटेन हुई अब आप आपसे आपको पूरा पूरा पैटर्न आपको समझा दिया जाएगा क्या पैटर्न है क्या है जिससे आपको क्लियर बिल्कुल आयुषी आ चुकी हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत ही बढ़िया भाई आयुषी आ भी चुकी हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेलकम दोस्तों आपको जितना ज्यादा कंटेंट है आपके लिए है, तो घबराए ना तो वीडियो की अपने जैसे यूट्यूब में होता है अपने आप भी प्लेलिस्ट बन जाती है आप अपनी स्पेशल प्लेलिस्ट लिस्ट बनाइए जो वीडियो आपको जबरदस्त तरीके से जिसमें लग रहा है स्पेशल कंटेंट है या स्पेशल मुझे इसको डाउनलोड करके वीडियो आ, नोट्स बनाने हैं

आयुषी क्यों परेशान हो घर वाले कि 24 घंटे आप YouTube पर ही चिपकी रहते हो इस वजह से घर <laughs> वाले क्या बोले कि सर कितना पढ़ोगे <laughs> देखा आजकल YouTube की वजह से पढ़ने से भी बच्चे घर वाले परेशान होंगे टेंशन वाली कोई बात नहीं है जिस दिन आपका नाम टॉप एन में आएगा टॉप सीयूटी कॉलेज में आएगा जो आपका विषय है उस दिन घर वाले खुश भी होंगे आपसे रितेश कुमार वेरी वेरी गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग अंजलि वेरी वेरी गुड इवनिंग तो तो अभी तो परेशान है लेकिन जब आप टॉप कॉलेज टॉप यूनिवर्सिटी तब घर वाले आप आपके आज पड़ोसी सभी आपसे पूछेंगे चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंड अप करेंगे ठीक है टॉपिक स्टार्ट कर रहे मीना लेट हुए हमारे पास टाइम कम है 45 मिनट की क्लास है क्योंकि 5 पीएम से आपकी इंग्लिश की क्लास होगी ओके विश बिल्कुल तो ना, हमारे पास टाइम कम है जितना टाइम है एक बार फटाफट देख लेते हैं सब चीज को नंबर वन पहला पॉइंट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन हम सबसे पहले पाइपिंग सिस्टम में कल हम क्या-क्या देख चुके थे इसको सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं

ये भी हम देख चुके थे ठीक है यहां से स्टार्ट करते बहुत हैं बहुत ध्यान से समझिए 16.5 वाला सर खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं <laughs> कोई नहीं आयुषी यही तो बात है बाद में बैक टू बैक अभी आप क्लास ले रही हैं बाद में स्टूडेंट आपके पड़ोसी आपके रिलेटिव आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो आपने घर से ही सिलेक्शन ले लिया ऐसा कहां से पढ़ा हमें भी कुछ बताए तो बहुत सारी चीजें अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो अपनी प्ले बना लीजिए वीडियो को उसमें रिकॉर्ड कर लिया करें वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें नोट्स बनाइए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है ठीक है दोस्तों आ जाइए तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर हूं आज हम थोड़े से टेढ़े जिनको बोलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं ये जो क्वेश्चन होंगे पहले हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन क्लियर था कल क्या हमने क्वेश्चन ये कल करा था यस सर बात सही है ये जो हमने क्वेश्चन कल करा था एक बार इसको देख लेते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था इसको देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे समझिए ध्यान से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन नंबर वन पाइप ए कैन फिल अ से पाइप ए कैन टैंक कैन फिल अ टैंक इन एट आर ए टैंक किसी टैंक को पाइप ए किसी टैंक को एट आवर्स में भर सकता है पाइप ए किसी टैंक को एट आवर्स में फिल कर सकता है पाइप ए ये क्वेश्चन हम कल कर चुके थे लेकिन फिर भी इसमें किसी को भी सर सैटरडे सटरडे में होती नोट्स बनाती हूँ बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत आयुषी सुबोध यस सर बहुत बढ़िया सुबोध भी आ चुके हैं भाई साहब हमारे साथ रितेश सर बिस्कुट खा आ, कर पढ़ पढ़ना पड़ रहा है कोई नहीं रितेश अभी आप बिस्कुट खाते हो बच्चा बाद में लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे पढ़ते थे ये यही तो है स्ट्रगल भाई स्ट्रगल तो है ही

ध्यान से देखिए टैंक को फिल होने में दो घंटे ज्यादा लगते हैं ये स्टेटमेंट था यह पूरा प्योर स्टेटमेंट था कि टैंक को भरने में दो घंटे ज्यादा लगते हैं ठीक है दोस्तों आज ये फटाफट नंबर वन इसका मतलब क्या हुआ अगर टैंक को दो घंटे ज्यादा लग रहे हैं भरने में इसका मींस हुआ अगर ये टैंक है ध्यान से देखो ना ये टैंक है ये जो है पाइप ए ये तो भर रहा है ये लेकिन जो इसके कारण दो घंटे ज्यादा लगते हैं इसका मतलब पाइप एक और पाइप है जिसके कारण अगर वो दोनों पाइप वर्क कर रहे हैं ए और बी तो वो दो घंटे ज्यादा में फिल हो रहा है क्योंकि फिल हो रहा है तो प्लस का साइन और दो घंटे मीन्स टेन आवर बताइए इट इज क्लियर और नॉट क्या ये सबको क्लियर एक बार कमेंट बताइए <laughs> क्या बिल्कुल क्या ये सबको क्लियर है बिल्कुल सुबोध बिल्कुल परफेक्ट आपने सही बताया

पॉइंट नंबर टू दूसरा पॉइंट है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है फोर सर अगर ए और बी की एफिशिएंसी है फोर ए की एफिशिएंसी फाइव है तो बताइए बी की एफिशिएंसी माइनस वन हुई या नहीं मतलब बी टैंक को खाली करेगा कितना टाइम होता है टाइम होता है डब्ल्यू अपॉन ई डब्ल्यू कितना है चालीस ई e कितना है माइनस के वन चालीस घंटे लगे यस और नॉट कमेंट करो चालीस घंटे तो राइट आंसर हम निकाल चुके थे इसका लास्ट में ही एलजेब्रा बच्चा होता क्या क्लैट में एलजेब्रा नहीं आती है क्लैट में एलजेब्रा नहीं आती है सीयूटी uh, वगैरह में तो बहुत डिटेल में आती है इसमें एल्जेब्रा नहीं आती है आइए निकालते अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए वो मैं आपको सीयूटी वगैरह में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में अगला क्वेश्चन करिए फाइन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन टेन आवर्स पाइप ए किसी टैंक को टेन आवर्स में भर सकता है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन टेन आवर्स एंड बिकॉज़ ऑफ अ लीक इट टेक्स 5 आवर्स मोर खुद करिए मैं चाहूंगा खुद आंसर निकाले फटाफट एक बार खुद आंसर निकालिए इसका एक बार खुद आंसर निकालिए क्या होगा पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स बिकॉज़ ऑफ अ लीक इट टेक्स 5 आवर्स मोर खुद करो फटाफट निकालो आंसर हम बहुत कम टाइम है हमारे पास केवल 5 पीएम तक तो क्लास है फिर सर की क्लास है इंग्लिश की तो हम फटाफट करते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो पूछेगा पाइप ए किसी टैंक को टेन आवर्स में भरता है पाइप ए रहा टेन आवर्स में फिल कर रहा है तो प्लस का साइन आएगा कि नहीं बिकॉज ऑफ ए लीक इट टेक्स फाइव आवर्स मोर लीक के कारण उसको पांच घंटे ज्यादा लगते हैं पांच घंटे ज्यादा का मतलब लगते कितने हैं आवर्स यस yes और नॉट और ड्यू टू लीक है इसका मतलब दोनों एक साथ वर्क करते हैं ड्यू टू लीक है मतलब दोनों एक साथ वर्क करते हैं ड्यू टू लीक मतलब दोनों वर्क करते हैं time in वो बताइए जिसमें पूरा खाली हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा। कितना गया? 60. 15, 4 जा, 10, 6 जा. तो बी है, है की 6 है। तो B की माइनस के टू है या नहीं इसका मतलब बी कितना टाइम लेगाब्लू अपॉन ई सिक्स अपॉन माइनस के दैट इज थर्टी आवर फटाफट सी यहां कोने में जाके बैठा है ए कोने में जाके बैठा है ए वो है आंसर किसी को डॉट कमेंट करें फटाफट बहुत कर रिजू वाह भाई वाह वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई दिल को छू गया आपका आपने आंसर परफेक्ट बताया वेरी गुड क्या क्वेश्चन टफ कर दे क्या हम क्वेश्चन टफ कर दे निकालिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करिए फाइंड खुद वेरी नाइस क्वेश्चन वेरी नाइस खुद फाइंड करिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फटाफट निकालिए आंसर कितना होगा वेरी नाइस पाइप ए एंड बी पाइप ए एंड बी पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 18 मिनट रेस्पेक्टिवली पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं

बहुत बढ़िया बहुत ही सही आइए नंबर वन सर पाइप ए किसी टैंक को कितनी देर में भरता है पंद्रह मिनट में फिफ्टीन मिनट और पाइप बी कितनी देर में भरता है अट्ठारह मिनट में एटीन मिनट यस और नॉट हां जी यस और नॉट एटीन फाइव जा नाइनटी एटीन फाइव जा फिफ्टीन सिक्स जा कमेंट करो यस और नॉट कमेंट 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 फटाफट पाइप सी कैन एम्प्टी हमने सी वाले को तो लिया ही नहीं आइए पाइप सी कैन एम्प्टी इन सिक्स मिनट नेक्स्ट आइए एलसीएम कितना होगा गया नाइनटी फिफ्टीन सिक्स जा एटीन फाइव जा फिफ्टीन सिक्स जा तो आप बोलोगे ए प्लस बी साफ साफ बोला गया इन द स्टार्टिंग आरंभ में अब देखो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये कुछ भी हो सकता है ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये कुछ भी हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे भी घुमा के आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है वो इन द स्टार्टिंग ए और बी को खोला गया सिक्स मिनट के लिए जब ए और बी ओपन होंगे वो भी फॉर सिक्स मिनट ऑनली तो वर्क कितना हुआ टाइम इन टू हुआ या नहीं बिल्कुल सर हो गया कितना कितना फिल करेंगे देखिए जब ए और बी ओपन करेंगे तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी 11 और 6 मिनट में 66 लीटर वाटर फिल हुआ या नहीं बिल्कुल सर फिल हो गया हुआ या नहीं इसका मतलब ये जो वाटर बचा टोटल अब इसमें कांसेप्ट थोड़ी बात ये है जैसे ही इसके बाद सी को ओपन किया गया तो आपको ध्यान रखना है तीसरा वाला पाइप जैसे ही सी को ओपन किया गया ये ध्यान रखना है जैसे ही सी को ओपन किया गया भाइयों इसका मतलब जैसे ही सीओपिन होगा टैंक कभी भी फिल नहीं होगा ये हमें खुद देखना पड़ेगा अगर मैं बोलू मेरे पास दस पाइप है तो बताइए सारे सारे पाइप एक साथ खोल दू तो क्या रिजल्ट रहेगा अगर मेरे पास दस पाइप है मैं सारे पाइप एक साथ खोल दू तो क्या रिजल्ट रहेगा तो आप बोलोगे रिजल्ट ये रहेगा रिजल्ट ये रहेगा कि अगर उनकी एफिशिएंसी का सम प्लस में है तो टैंक फिल होगा और अगर उनकी एफिशिएंसी का सम माइनस में है तो टैंक खाली होगा हमेशा अगर उनकी एफिशिएंसी का सम प्लस में है तो टैंक फिल होगा अगर उनकी एफिशिएंसी का सम माइनस में है तो टैंक खाली होगा ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना ये कंसेप्ट हमेशा लगेगा हमेशा तो अगर इनकी एफिशिएंसी का सम माइनस में है तो टैंक खाली होगा कौन सा टैंक खाली होगा जितना भरा है 66 भरा है माइनस के 4 माइनस के 33 अपॉन के 2 16 2 मतलब 16.5 16 1 2 बताइए right राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया सभी ने बहुत सही अगला चले अगला चलते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अगला देखते हैं कौन निकालते हैं 16 point, ये तो सेम ही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पाइप ए बी एन सी दस मिनट ए एन बी आर ओपन टूगेदर वाइन टैंक वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई क्या लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की बहुत ही प्यारी दिल को छू जाने वाली क्वेश्चन लैंग्वेज करो फाइंड एक बार कभी निकालो यहां से यहां तक के स्टडी करिए क्वेश्चन की क्या कह रहा है इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो एक बार क्या है खुद एक बार स्टेटमेंट पढ़िए खुद क्या बोल रहा है क्वेश्चन फटाफट निकालिए पढ़ा है क्वेश्चन का पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 10 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली पाइप ए और बी किसी टैंक को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं ध्यान से देखना थोड़ा सा टिपिकल है थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 10 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली पाइप सी कैन एम्प्टी इट पाइप सी इसको 20 मिनट में खाली कर सकता है पाइप सी इन द स्टार्टिंग आरंभ में ए और बी को ओपन किया गया एक साथ इन द स्टार्टिंग पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर When द टैंक वॉज टू बी filled, जब टैंक को फिल हो जाना था, जब टैंक को फिल हो जाना था, When द टैंक वॉज टू बी filled, जब टैंक को फिल हो जाना था इट वॉज फाउंड यह पाया गया यह देखा गया यह ऑब्जर्व किया गया दैट द पाइप ओपन बाई मिस्टेक सी गलती से खुला रह गया था पाइप सी गलती से खुला उसको लगा कि पाइप सी चल नहीं चल रहा है लेकिन पाइप सी भी पानी और पाइप सी के नेचर है ध्यान से देखिए पानी को बाहर फेंकना द आउटलेट पाइप तो देन देन नाउ क्लोज द पाइप सी अब पाइप सी को मैंने जाके क्लोज किया जो पाइप चल रहा था मैं बता रहा हूं देन फाइंड फाइंड द टाइम इन विच द टैंक फिल्ड कंप्लीट तो वह टाइम बताना है जिसमें टैंक पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो अगर ये क्वेश्चन मैं समझाऊं तो हो सकता है मुझे इसको 10 मिनट लग जाए 15 मिनट लग जाए लेकिन अगर मैं इसको करूं तो मुश्किल से ये 10-15 सेकंड से ज्यादा का नहीं है मैक्सिमम 20 सेकंड अगर समझाने में तो टाइम लगता है करने में कोई टाइम लगता क्या मैं समझाऊं एक बार सॉल्व करें मैं मुझे फटाफट थम भेजिए क्या हम सोल्व करें बताइए मैं सीधा सोल्व करने पर आ रहा हूं मैं सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ध्यान समझिए नंबर वन पहला पॉइंट पॉइंट नंबर वन पाइप ए और फी दस और पंद्रह ये ए है दस मिनट ये बी है पंद्रह मिनट ये सी है बीस मिनट बहुत ध्यान समझते रह इस चीज को ए दस पंद्रह बीस यस और नॉट दस पंद्रह बीस एलसीम कितना हो गया आप बोलोगे एलसीम हो गया सिक्सटी ट्वेंटी थ्री जा फिफ्टीन फोर जा टेन सिक्स जा पहले बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को यहां तक कोई डाउट अगर आप बोलते हो ए की एफिशिएंसी

तो ए फिल करता है टेन मिनट में बी फिल करता है फिफ्टीन मिनट में सी एम टी करता है ट्वेंटी मिनट में नंबर वन पहला पॉइंट एलसीएम हो गया एलसी प्लस के प्लस के छीन माइनस के थीन प्लस के प्लस प्लस फोर माइनस के थ्री स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर वन अब बहुत ज्यादा समझिए डेट इज अ टेक्निकल यहां लैंग्वेज है टेक्निकल जैसे बोला जाता है ना लाइफ में सब कुछ जो है वो वर्ड्स uh, का गेम है कहने का गेम है वे ऑफ मेथड वे ऑफ टॉकिंग का गेम है आप किस तरह से किसी बात को कहते हैं एक ही बात है उसको आप हजारों तरीके से घुमा फिरा के कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द स्टार्टिंग पाइप आरंभ में क्वेश्चन का साफ बोला गया इन द स्टार्टिंग पाइप ए एंड बी ओपन टूगेदर और बी को ओपन तो गया द टैंक यहां समझना वेन टैंक वॉज टू बी फिल्ड वेन दॉज टू बी फिल्ड वेन टैंक वॉज टू बी फिल्ड जब टैंक को भर जाना चाहिए था जब टैंक को भर जाना चाहिए था जब टैंक को भर जाना सबसे पहला पॉइंट इसको बहुत ध्यान समझने मैं समझाऊंगा अच्छे से समझा रहा हूं मेरे पास तीन पाइप है मैं अपने घर के कमरे में बैठा हूं पहला पाइप जो फिल करता है दस मिनट में मैं जानता हूं दूसरा पाइप फिल करता पंद्रह मिनट में मैं जानता हूं तीसरा पाइप का जो नेचर है वो बीस मिनट में खाली कर देता है ध्यान समझना 20 मिनट में खाली कर देता है तो मैंने कहा सर ये तो क्लियर है 20 मिनट में खाली कर रहा है तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो सर एक बार बताइए द टैंक को फिल करना स्टार्टिंग में ए और बी को खोला गया जिसका वर्क ही है टैंक को फिल करना तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ए और बी अकेले टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे मान लीजिए मैंने ए और बी को ओपन किया A और बी अगर काम करते हैं तो मैं जान गया सर ये सिक्स आवर में टैंक को फिल कर देते हैं राइट और रॉन्ग कमेंट करो फटाफट फ़ड़। right राइट और B वर्क करेंगे, तो छह घंटे में टैंक फिल हो जाएगा हाँ या ना अगर ए और बी वर्क करेंगे टैंक घंटे में फिल हो जाएगा यस और नॉट यस और फटाफट यस और नॉट यदि ए और बी फिर वर्क करेंगे टैंक छह घंटे में फिल हो जाएगा चाहिए था मेरे घर पर ऊपर टैंक में ये पाइप है मैं जानता हूं अगर मैं 12 बजे 12 पीएम इनको ओपन करता हूं तो शाम को 6 बजे मुझे जाना होगा क्योंकि 6 घंटे में टैंक फिल हो जाता है मैं राउंड मारने पहुंचा 6 घंटे बाद ऊपर कि भैया अब तो टैंक भर करने का कम, बंद करने का टाइम आ गया जैसे ही मैंने ऊपर पहुंचा मैं क्या देखता हूं टैंक क्यों नहीं हुआ ये रोज तो फील हो जाता था तब मेरा फोकस गया पाइप पाइप नंबर सी सी की तरफ मिस्टेक ओपन उतनी देर तक जितनी देर तक पाइप ए और बी चल रहे थे पाइप सी भी गलती से खुला रह गया भाई साहब और पाइप सी का नेचर है टैंक को पानी निकालना इसका मतलब टैंक भरने ही वाला था लेकिन बाई मिस्टेक जितनी देर तक ए और बीच भरते रहे उतनी देर तक पाइप सी निकालता रहा और पाइप सी कितना वाटर वाटर को कितना वाटर को आउटलेट कर देगा कितनी देर में छह घंटे में क्योंकि छह घंटे यहां दिया है वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी की एफिशिएंसी है तीन इसका मतलब अट्ठारह लीटर पानी बाहर फेंक दिया पाइप सी ने ये किसको क्लियर नहीं है कमेंट करो भैया पाइप सी का नेचर ही है पानी को आउटलेट को बाहर करना लेकिन क्वेश्चन में बोला है जितनी देर तक ए और बी टैंक को भरते रहे उतनी देर तक सी बाहर निकालता रहा तो सी ने कुल निकाल दिया 18 लीटर वाटर इट इज करेक्ट और नॉट कमेंट करो बढ़ावट अट्ठारह लीटर पानी सी ने बाहर फेंक दिया अठारह लीटर इसका मतलब सब जैसे ही मुझे होश है अरे सिक्स आवर हो गए पाइप सी की वजह से हमारा टैंक नहीं मैं गया और टैंक सी को मैंने बंद कर दिया लीजिए भाई कनेक्शन ही खत्म लेकिन अब ए और बी को बंद नहीं किया कहीं भी नॉक्लोज द पाइप सी पाइप सी को बंद किया गया क्या ए को बंद किया गया नहीं क्या बी को बंद किया गया नहीं बंद किया गया, गया पाइप सी को अब ए और बी कंटिन्यूस चल रहे है। तो टैंक में कितना वाटर बचा है कितना और भरना है तो आप बोलोगे भरना है एटीन लीटर क्योंकि पूरा टैंक फिल ही था जस्ट कमी थी इस 18 लीटर की जब अब 18 लीटर जितनी देर में भरेंगे ए और बी कितना क्योंकि ए और बी फिल करेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी लगेगी तो 18 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा 18 अपॉन टेन इज नाइन अपॉन फाइव फोर बाई फाइव राइट आंसर इज वन फोर बाई फाइव राइट आंसर इज वन फोर बाई फाइव चलिए ऑप्शन राइट आंसर तो ऑप्शन नहीं दिया आप बताइए किसको डाउट है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है हम है ना घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन तो टिपिकल है इट इज एब्सोल्यूटली राइट लेकिन घबराए ना हम है ना बताइए भाई कोई डाउट इसमें कमेंट करो फटाफट क्या ये सबको क्लियर है बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे चलें आगे चलें आगे चलें, चलें फटाफट बताइए आगे चलें क्या आगे बढ़ा जाए चलिए निकालिए आंसर कितना प्यारा क्वेश्चन है खुद करो फाइन खुद करिए खुद करिए फाइन खुद करो खुद करो फाइन टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन फोर्टी एट मिनट एंड थर्टी सिक्स मिनट बहुत प्यारा क्वेश्चन दो पाइप ए और बी हैं किसी टैंक को 48 मिनट और 36 मिनट में फिल कर सकते हैं 48 और 36 पाइप बहुत पाइप्स आर ओपन टुगेदर दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया आफ्टर हाउ मच टाइम कितने टाइम के बाद पाइप ए इज क्लोज पाइप ए को बंद किया जाए सो दैट होल टैंक फिल इन 25 फाइव मिनट पूरा टैंक ट्वेंटी <laughs> मिनट में फिल हो जाए कितना प्यारा क्वेश्चन कितना लवली क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को चाहे तो केवल फाइव सेकंड में उड़ा सकते हैं लेकिन उससे पहले इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कैसे करें कोई बताएगा आंसर कोई मुझे बताएगा कैसे सॉल्व करें कोई मुझे बताएगा कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से कैसे करें ताकि मजा आ जाए जिसको बोलते हैं मजा आ जाए कैसे करें कोई एक बार खुद एक बार खुद करिए ट्राई खुद करिए खुद करिए ट्राई एक बार खुद ट्राई करिए तभी मजा आने वाला है आराम से निकालो कोई जल्दी नहीं है आपको यहां यही प्रॉफिट है हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है आप आराम से निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए एक एक कंसेप्ट समझाने की गारंटी हमारी कंसेप्ट को समझाने की गारंटी हमारी है खुद का रिफाइन सबसे पहले एलसीएम बताइए एलसीएम क्या होगा एल्सियम क्या होगा पाइप ए एंड बी पाइप ए पाइप बी 48 मिनट में फिल कर रहा है 36 मिनट में फिल कर रहा है कोई एल्सियम बता सकता है कितना होगा 48 और 36 मिनट का कभी भी आपको एल्सियम निकालना बिल्कुल वंदना वेरी गुड इवनिंग

थ्री का एल्सियम ट्वेल्व मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेस्ट वे सबसे पहले कॉमन लेके उनका एल्सियम ले लो जो डिजिट आए और जिसकी कॉमन लिया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो दैट इज द फाइनल कॉमन ले ले पहले कॉमन लेके उसका एल्सियम ले लीजिए जिससे कॉमन ले मल्टीप्लाई कर दो आप बोलोगे फोर्टी एट सिक्स जा फोर्टी एट थ्री जाोर जा बताइए इट इज क्लियर और नॉट स और नॉट इट इज क्लियर और नॉट सर बड़ी डिजिट का मल्टीपल है बहुत बढ़िया आयुषी, बिल्कुल 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 परफेक्ट यू आर एब्सोलुटली राइट right. हंड्रेड परसेंट राइट right हो आप बिल्कुल परफेक्ट बोले आप तो आप बोलोगे सर ए और बी को हाउ मच टाइम एक ए को कितनी देर बहुत पाइप और ओपन टूगेदर दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया ए को भी बी को भी हाउ मच टाइम ए इज क्लोज कितने टाइम के बाद ए को बंद किया गया होल टैंक इसका मतलब क्या स्टार्टिंग में ए और बी दोनों थे ये पहला पॉइंट ए और बी दोनों थे कितने टाइम बाद ए को क्लोज किया होल टैंक मतलब ए को बंद किया क्या बी को बंद किया नहीं बी ऐसा पाइप जो चलता रहा लास्ट तक बी ऐसा पाइप है जो चलता रहा लास्ट तक बी कभी भी बंद नहीं हुआ बी ऐसा पाइप जो चलता रहा लास्ट तक बी कभी भी बंद नहीं हुआ स और नॉट इट्स क्लियर और नॉट जब बी बंद ही नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ए लगातार चलता रहा तो बी होल्ड टैंक इसका मतलब लगातार कौन बी पाइप पच्चीस मिनट तक वर्क करता रहा और बी की एफिसंसी है फोर तो वॉटर कितना फिल करेगा वॉटर फिल्ड बाई पाइप बी वर्क होता है टाइम इंटू एफिशेंसी टाइम इंटू एफिस चार के एफिशिएंसी से 25 मिनट तक चलता रहा टोटल फिर करा 100 लीटर जबकि फिल कितना करना था 144 बचा कितना 44 ये कौन ने फिल किया ए ने ए मतलब थ्री बताइए तो इसका मतलब 44 फोर अपॉन थ्री ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर वंदना वेरी गुड वेरी नाइस वंदना बहुत ही जबरदस्त बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने बताया बहुत ही प्यारा क्या हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट ले आए आप बोले तो अगर आप सब बोले तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ले आऊं आप बोले तो ट्विस्ट ले आए क्या ट्विस्ट वाला क्वेश्चन ले, ले, एक ज़्यादा टाइम तो नहीं है, हमारे पास फिफ्टी नाइन फाइव पीएम से आपकी इंग्लिश की क्लास है लेकिन एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कराया जाए एक वाला इसका अगर आप निकाल देंगे, तो जाएंगे। पाइप ए फिल करता है ट्वेल्व आवर्स में सॉरी टेन आवर्स में पाइप बी फिल करता है ट्वेल्व आवर्स में एंड पाइप सी खाली करता है माइनस के ट्वेंटी आवर्स में Jan number 1 if they work in alternate order if they work in alternate order starting with starting with pipe a starting with pipe a if they work in alternate order starting with pipe a matlab for one hour each pipe a then b c for one hour each for one hour each then find number 1 whole tank will fill in how many hours एंड सेकेंड थर्टी परसेंट ऑफ द टैंक थर्टी परसेंट ऑफ द टैंक विलफिल इन हाउ मेनी अगर आपने इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर परफेक्ट कर दिया तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया अगर आपने इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर परफेक्ट दे दिया तो इसका मतलब आप डेप्थ में समझ रहे हैं मैं एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा ये आप समझ गए मुझे इतना बताइए हर चीज क्लियर है या मैं समझाऊं थोड़ा बहुत फाइंड हो बच्चों टाइम थोड़ा कम है हमारे पास हम केवल आज क्वेश्चन जो है केवल हम उतने तक करेंगे फाइव पीएम तक ठीक है टाइम कम है थोड़ा हमारे पास कंसेप्चुअल है बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यार जिसको बोलता है राज दुलारा सबका प्यारा ऐसा कंसेप्ट है इसमें देखते हैं कौन सही निकालता है इसका आंसर करी अंजलि वंदना आयुषी कश्यप विशाल विकास कौशल कौशल तो गायब है वंदना वाओ पहले का सेवन बाई टू का थ्री आवर्स मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल से समझाऊं अभी थोड़ा सा इंग्लिश की क्लास है ना बच्चों इस वजह से थोड़ा सा मैं हो रहा हूं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगर आपने इसको समझ लिया बच्चों तो कुछ भी नहीं बचता अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया कुछ नहीं बचता फिर राधे राधे जी राधे राधे अजय कश्यप राधे राधे जी सॉल्व करें एक बार कमेंट करिए सॉल्व करें कमेंट 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 राधे 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 कश्यप जी ध्यान समझो ए टेन आवर ट्वेल्व आवर प्लस के ट्वेंटी ए है टेन आवर्स बी ट्वेल्व आवर्स सी है माइनस के ट्वेंटी किसी को डाउट कमेंट करो फटाफट नंबर वन L से बताइए सिक्सटी माइनस के थ्री प्लस के फाइव प्लस के सिक्स यस और नॉट कमेंट करो कमेंट करिए पहला वाला स्टेटमेंट में बोला गया इफ दे वर्क इन अल्टरनेट ऑर्डर स्टार्टिंग विद ए पहला वाला क्वेश्चन आसान है ट्रिकी दूसरा वाला है तो आप बोलोगे पहला वाला पाइप ये फर्स्ट आवर फिर सेकेंड फिर थर्ड दे वर्क इन दिस ऑर्डर तो एक ही विशेंसी प्लस के छह प्लस के पांच माइनस के तीन बोलिए इट इज करेक्ट और नॉट इट इज करेक्ट और नॉट किसको डाउट है कि डेप्थ कंसेप्ट है ये पाइप सिस्टम के डेप्थ कंसेप्टों में से एक है सेकेंड वाला क्वेश्चन जितना आसान दिखता है उतना है नहीं इसका सेकेंड पार्ट जितना आसान वो दिख रहा है एक्चुअल में वो है नहीं उतना आसान समझिए कैसे आप बोलेंगे पहले वन आवर में ये तो टोटल हम क्या करते हैं साइकिल बना लेते हैं एक साइकिल बन गई तो साइकिल की एफिसाइव इलेवन माइनस की थ्री प्लस के एट और टाइम कितना लगा 1 मिनट 1 आवर 1 आवर 1 आवर 3 आवर इट इज करेक्ट और नॉट कमेंट करो फटाफट और टारगेट कितना है मेरा टारगेट है मेरा 60 लीटर पहले वाले में क्वेश्चन है टारगेट है 60 लीटर इतना कमेंट कर दीजिए किसको क्लियर नहीं है वर्क एंड टाइम अगर आपने चैप्टर पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे उसमें भी हम सेम यही करते हैं सेम यही तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चों जान ये थोड़ा सा डेप्थ है, थोड़ा सा टाइम राधे राधे जी गुड आफ्टरनून हर्ष वेरी गुड हर्ष निकालिए भाई इसका आंसर निकालो हर्ष इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। दोनों पार्ट का आंसर निकालिए फर्स्ट और सेकंड का <laughs> दोनों पार्ट का आंसर निकालिए दोनों का <laughs> कोई प्रॉब्लम नहीं ये जो हमारी लॉ एंट्रेंस की क्लास थी सडनली ये क्योंकि ये केवल वीक में दो दिन होती है बच्चों ये जो क्लास है केवल दो दिन होती है वीक में ये केवल दो दिन होती है आंसर आएगा इसका आइए आइए तो अभी हम इसका केवल एक पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट बाद में करेंगे तो हम क्या करते हैं ऐसे में टेबल पढ़ते हैं एट सेवन फिफ्टी सिक्स तो सेवन यहां तो ये यह हो गया ट्वेंटी फिल किया ए बी और सी ने नंबर किसका है ए का फिल करता है छ फिल करेगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा तो कराना कितना है फोर तो सिक्स लीटर फिल करता है वन आवर में वन फिल करेगा वन अपॉन सिक्स फोर फिल करेगा टू अपॉन सिक्स टू अपॉन थ्री एक नंबर आया फोर लीटर फिल करा, सिक्सटी लीटर कंप्लीट योग ट्वेंटी वन टू अपॉन थ्री आवर बताइए इट इज करेक्ट और नॉट हर पहले वाले का आंसर आपने परफेक्ट बताया अगर आप सेकंड वाले का भी आंसर बता दें तो मान जाए पहले वाले का आंसर आपने परफेक्ट बताया अगर आप सेकंड वाले का भी आंसर बता दे तो मान जाए सेकंड वाला पोर्शन पहला वाला तो आंसर मैंने माना दे दिया क्वेश्चन आसान था अगर हर सेकंड वाले का भी आंसर देते तो मैं मान जाए कोई बताएगा सेकंड वाले का आंसर सेकेंड वाले पोर्शन का आंसर सेकेंड वाले का हर्ष आंसर दे रहे हैं छह घंटे चालीस मिनट दैट इज रॉन्ग आंसर अगर सेकंड वाले का भी छह घंटे चालीस मिनट होता तो मैं इसको नहीं करा रहा होता नहीं है हर्ष सेकंड वाले का छह घंटे चालीस नहीं है अगर सेकंड वाले का भी छह सही दो बटे तीन होता तो मैं नहीं करा रहा होता ये गुगली है गुगली इस गुगली पे अच्छे अच्छे लुढ़क गए चलो अब बच्चों टाइम तो नहीं है पाँच बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास है आज हम इससे आगे नहीं पढ़ पाएंगे इसको हम सस्पेंस रखते हैं नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे जिन बच्चों को भी अभी नॉलेज नहीं है मैं बता दूं एक बार अड्डा टू फोर सेवन पर अगर आपको क्लैट से रिलेटेड कोई भी कोर्स लेना हो आप जाएंगे अड्डा टू तो फोर सेवन के अंडर ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस और क्लैट पर जैसे ही आप जाएंगे क्लैट पर अभी क्लैट का टॉपर्स पॉइंट टू पॉइंट ओ बैच आया हुआ आज हम इससे इतना ही करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर पूरी टाइमिंग है विद आवर्स है घंटे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं आपको बाई नाउ पे जाना है सीधा और अप्लाई करना है वाई सिक्स नाइन सिक्स सीधा तो आप जानेंगे वाई सिक्स नाइन सिक्स ही अप्लाई करेंगे आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है बच्चों चलो आज इतना रखते हैं नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे ये वीक जे जो सीरीज है केवल दो दिन हो रही है मैं आपको जो हमारे क्लाइंट वाले बच्चे आपके लिए बहुत जल्दी इस पर शेड्यूल टाइम टेबल हो जाएगा ठीक है बच्चो चलो फिर आज इतना रखते हैं गुड बाय और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इसका आंसर अंजलि फोर आवर फाइव मिनट नहीं अंजलि थोड़ा सही है थोड़ा गलत है कोई नहीं नेक्स्ट में